वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। डियर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मॉल दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर दो फ्लोर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। एक है स्टार बाजार ऊपर का, एक फ्लोर है GDO का। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, आपकी ज़रूरत का आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलता हुआ। ये मॉल जो है अंधेरी वेस्ट में है, एड्रेस मैं आपको नीचे दे दूँगा और लास्ट में इसका लोकेशन भी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। ये देखिए, ये अंदर आने के बाद ये ऊपर के साइड में आप जाएंगे एकदम, तो वहाँ पर गेमिंग एरिया भी है, तो वहाँ पर आप गेमिंग और फूड इंजॉय कर सकते हैं एकदम ऊपर साइड में। और जिम भी है शायद, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा ऊपर का। और ये मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये कपड़ों का है और किचन और होम एक्सेसरीज ये पहले माले पर। और नीचे इसके जो फ्लोर है, इसके अंदर से भी रास्ता है जाने का, जो स्टार बाज़ार है, तो उसके अंदर सब खाने पीने का राशन जो रहता वो मिलता है। तो पहले मैं इसके अंदर जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये शर्ट बहुत ही अच्छे प्राइस में यहाँ पर मिल रहा था, बहुत ही सब सेल लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ कुछ का आपको टैग दिख जाएगा, 500, 600, 150, 200। आपको जेंट्स कपड़े, लेडीज़ कपड़े, बच्चों के कपड़े और इसके अंदर किचन एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज बहुत कुछ मिलता हुआ। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए आप लोग, कपड़ों थे यहाँ पर सब ऐसा लूटम लाट मचाए थे कि क्या ही कहना। मैं ये जब गया था तभी दशहरा चल रहा था, अभी दशहरा ख़त्म हो गया है, दिवाली आने वाला है। जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो दशहरा ख़त्म हो चुका है, दिवाली बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो अगर आप दिवाली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ के आसपास के हैं तो आप यहाँ पर एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं। रेट बहुत ही अच्छा ये जो है शॉप, इसके अंदर बहुत ही कुछ मिलता हुआ आपकी ज़रूरत का। इसका एक शॉप थाने में भी है, मैं उस दिन थाने गया हुआ था अभी बहुत ही जल्द, तो मैंने देखा, पर वहाँ पर सिर्फ कपड़े ही मिल रहे थे। जो ये GDO का रहता है ये, इसका सब कपड़े चप्पल ही मिल रहे थे, अदर और किचन या होम एक्सेसरी ये सब नहीं मिलता है। जो तालाब पोली लेक है उसी के थोड़ी दूरी पर है, अगर आप थाने में रहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, सेम रेट पर मिल रहा था। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए कपड़े, मैं भी एक पैंट लेके आया, फॉर्मल पैंट, पर क्या हो गया मैंने ट्राई नहीं किया। ट्रायल रूम है, आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो ट्रायल कर ज़रूर लें, क्योंकि मैं ट्रायल नहीं किया। देखिए इधर से ही मैं एक पैंट लिया था, तो 32 का कमर लगता है, तो मैं ऐसे ही लेके आ गया क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रायल के लिए। कमर अभी वो मुझे टाइट आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या करूँ, फिर भी पहन रहा हूँ, क्योंकि 800 रुपये की एक पैंट मैं लेकर आया। ये देखिए सामने भी ये लगा हुआ है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा था कपड़ों की, तो देख सकते हैं आप लोग। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर जाकर ले सकते हैं, चप्पल, जूते, शूज वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं 800 रुपये में टी शर्ट भी है, 800 रुपये में जींस भी है, तो क्वालिटी अच्छा है मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ। लेडीज़ के भी भरपूर है यहाँ पर, बच्चों के भी है और जेंट्स की भी है। तो पहले मैं ये कपड़ों को आपका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 6 मंथ से लेकर 18 मंथ तक के बच्चों का कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पर क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। आप अगर यहाँ पर गए हैं तो आप अपने अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसा है, तो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को अगर देख के कोई जाता है तो उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये किचन एक्सेसरीज, ये अभी मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये प्लेट वगैरह लगा हुआ है, तो घरों में इस्तेमाल होने वाला बहुत से यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये ऊपर का फ्लोर का मैं अभी आपको दिखाऊंगा, नीचे भी मैं आप लोगों को जाकर दिखाऊंगा। नीचे के साइड में सब खाने पीने का ही आइटम है, आगे आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये बकेट वगैरह एक से बढ़कर एक डिज़ाइन यहाँ पर, रेट भी कुछ कुछ चीज़ों का तो बहुत ही अच्छा था। अब मुझे लंबा पड़ गया, नहीं तो मुझे भी कुछ चीज़ें यहाँ से लेना था, पर ये अंधेरी बेस्ट में है, मैं रहता हूँ भिवंडी में। हमारे भिवंडी में अगर ऐसा एक मॉल खुल जाए तो क्या ही कहना उसका, पर इतनी अच्छा तो नहीं खुलता है। एक है धावन नाके पर कुछ काम का नहीं है, बस छोटा सा ही है, पर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको जो चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलता हुआ, देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्वांटिटी में सब यहाँ पर है। और प्राइस तो कुछ कुछ चीज़ों के बहुत ही अच्छे प्राइस है, कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब वीडियो में देखिए टैग सब लगा हुआ है, अगर प्राइस देखना है तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का टैग दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कुकर, बहुत कुछ यहाँ पर मिलता हुआ दोस्तों। मुझे बहुत ही अच्छा ये मॉल लगा कि आपको आपके घर की ज़रूरत का आप इसमें
घूमेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर कुछ आपको लगे तो यहाँ से ले सकते हैं। ये गैस चूल्हा देखिए, एक से बढ़कर एक, प्राइस भी 3,000, 4,000, 6,000 तक था। और राइट साइड में मिक्सर देखिए, तो बहुत कुछ था दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर विजिट करिए और यहाँ से जाकर ले सकते हैं। मैं गया हुआ था दोस्तों, मैं कहीं और गया हुआ था तो रोड से मैं जा रहा था तो देखा बाहर से, तो फिर मैं अंदर जाकर विजिट किया और ये वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बस इसी तलाश में लगे रहता हूँ कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। देखिए अभी ये 87 में है, 61 में है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस में यहाँ पर। और यहाँ पर आप जाएंगे ना तो इतने अच्छे तरीके से ये रखा गया है कि आपको दिल ही करेगा कि ये ले लूँ वो ले लूँ, पर बजट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है पैसा दोस्तों, पैसा है आपके पास तो सब कुछ है। तो पैसा अगर है तो आप जाइए विजिट करिए और यहाँ से जाकर ले सकते हैं। पैसा नहीं है तो फिर बस देख ही सकते हैं मेरी तरह, और क्या ही कह सकता हूँ मैं आपको। देख रहे हैं आप लोग, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये शॉपिंग मार्केट। ये पूरा वन फ्लोर जो है नीचे का पूरा वहाँ खाने पीने का, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये ऊपर का फ्लोर पूरा जो मैं ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से है। तो आप अगर वहाँ के आसपास के हैं तो विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आप गए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पर कप देख रहे हैं, कितने ज़्यादा अच्छे कप यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं। प्राइस भी अच्छी है, 99 में ये मिल रहा है, 69। तो देखिए कितने ज़्यादा क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सब रखी गई है। जो आपको पसंद आए आप यहाँ से लेकर, बकेट है वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, बहुत से लोग उस दिन शॉपिंग कर रहे थे दोस्तों नीचे में, अभी आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। तो दिवाली आने वाला है, ये दशहरा चल रहा था जब मैं गया हुआ था दोस्तों, दो दिन बाकी था दशहरे में। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी, सब ले लेके जा रहे थे पूरा यहाँ से, सब थैले भर भर के लेकर जा रहे थे दोस्तों। राशन भी मिलता है और ये होम एक्सेसरीज और कपड़े भी, कपड़े मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। यहाँ पर आते हैं तो थैला लेकर आए, नहीं तो थैले का अलग से पैसा देना पड़ेगा। अगर आप लोग शॉपिंग करते तो आप लोगों का पता ही है, मैं पैंट लिया तो मुझे 8 रुपये का एक अलग से थैली लेना पड़ा पीस भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों बकेट बहुत ही अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बहुत कुछ यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप जाते हैं तो देख सकते हैं, इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। यहाँ पर देखिए ये सब डिश वगैरह रखा हुआ है, तो अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ले सकते हैं। बच्चों के खिलौने, ये मुझे थोड़ा महंगा दिखा, देखिए दोस्तों 150 रुपये, 149, 199। तो कुछ कुछ ये देखिए बच्चों की चीज़ें जो ये महंगी दिखी मुझे, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अच्छे प्राइस में है। अब ये देखिए ये 99 रुपीज़ का एक था दोस्तों, अब इसमें ऐसा क्या है 99 रुपीज़ जैसा। पर बच्चे जाते हैं तो जीत करते हैं तो बड़ों को दिलाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए स्कूल के रिलेटिव बहुत कुछ, अपना बुक हो गया, पेन हो गया, बहुत कुछ वहाँ पर मिलता हुआ स्कूल के रिलेटिव, छोटे बच्चों के बड़ों के। तो वहाँ से अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी रेट में है, कुछ महंगी है, आपको जैसा लगे आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ लेडीज़ों के लिए अच्छे अच्छे टॉप वगैरह मिलता हुआ, 799, 199। तो आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं गए हैं तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट कर ट्राई कर सकते हैं क्या यहाँ कैसा क्या है। मैं तो गया वहाँ उस दिन, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे। मैं भी एक पेंट लिया हुआ था दोस्तों, तो पेमेंट करने के लिए जब भी लाइन लगाया तो मुझे कुछ आधा घंटा लग गया पेमेंट करने में। ये स्पीकर देखिए 4,000 रुपये में काफ़ी बढ़िया था। अभी ये मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो इतने ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, पेमेंट के काउंटर भी ज़्यादा लगे थे वहाँ पर, तो भी आधा आधा घंटा लग रहा था लाइन लगाकर पेमेंट करने में। अभी ये नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर आपको खाने के लिए भरपूर सब कुछ मिलता हुआ तो देख सकते हैं आप लोग। ये देख रहे हैं, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का। तो यहाँ पर आपको कपड़ा भी मिलेगा, घरों में किचनों में इस्तेमाल होने वाला, खाने पीने के लिए भी। तो एक ही मॉल में बहुत कुछ आपको मिलता हुआ यहाँ पर देखिए, ये सब ऐसा लगा हुआ है, क्वांटिटी भरपूर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब अपना अपना लेते हुए यहाँ पर प्राइस लगा हुआ है और सब रखा हुआ है। आप जो आपको पसंद, आप बैग भरिए, वजन करिए, आप ले सकते हैं।
और प्राइस बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, तो इसीलिए लोग एक महीने का 15 दिन का एक साथ आकर यहाँ से ले लेते हैं। क्वालिटी भी अच्छा रहता है और प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, तो और क्या ही चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा पैक करके भी रखा हुआ है, यहाँ पर भाजी के रिलेटिव सब रखा हुआ है, नींबू, अदरक, टमाटर, देख रहे हैं आप लोग, कोथमीर, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर क्वालिटी अच्छा रहता है तो लोग आ जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी मिलता हुआ, अगर आपको भूख लग गया हो तो कुछ यहाँ से लेकर खा सकते हैं। ये कादा देखिए, अब यहाँ पर फ्रूट देखिए, फ्रूट भी देख रहे हैं आप लोग कितने ज़्यादा क्वांटिटी में है। केजी 150 का सेब है, 129 का ऑरेंज मिल रहा था, तो जो आपको पसंद हो यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ का प्राइस भी अच्छा रहता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तो उसमें भी कैशबैक मिल जाता है। उस दिन मैं गया हुआ था तो SBI का चल रहा था, अगर आप 2000 रुपये का पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो 5% कैशबैक था, डेबिट कार्ड से 3000 का पेमेंट करते हैं तो 5% का कैशबैक था, तो आपका इसमें भी बच जाता है, अगर आप पेमेंट करते हैं उसमें भी बच जाता है। सामने देखिए फ्रिज काफ़ी बड़ी रखी हुई थी, जिसके अंदर आपको फ्रिज के रिलेटिव सब मिलता हुआ। अब यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को देखिए कितने ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हुए हैं, और प्राइस भी देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितना सस्ता ये मिलता हुआ। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही रहती है दोस्तों कि प्राइस बहुत ही अच्छा रहता है, और हम या कोई भी जाकर इसमें ले सकते हैं। फ्रिज देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर लगी हुई है, जो ऐसा ख़राब होने वाला चीज़ है तो अंदर फ्रिज में रखा हुआ रहता है। ये फरसान देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये रैक लगा रहता है, उस पर प्राइस लिखी रहती है, आप लोग अगर गए हैं तो आपको पता ही है, और जो आपको पसंद आप ट्रॉली में लेकर रखिए और अपने पेमेंट करके घर पे लेकर जाइए और खा पी के ऐश करिए। हम कमाते हैं इसीलिए हैं दोस्तों, खाए पिए ऐश करें, ये ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से जिए, और दूसरों को भी सलाह दें कि इस ज़िंदगी को अच्छी तरह जिए, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हुई तो फिर कहाँ मिलने वाली दोस्तों, तो इसे जियो जी भर कर अच्छी तरीके से, अच्छा तरीके से अपने बड़ों की इज्जत करो, खासकर अपने माँ बाप की इज्जत करो। हमारे माँ बाप हमें कितने प्यार और लाड से पालते हैं दोस्तों, तो अपने माँ बाप की तो ज़्यादा ही खातिर करो, और अपने बड़ों की भी इज्जत करो, अपने दोस्तों की इज्जत करो। यहाँ पर देखिए बहुत कुछ बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलता हुआ, यह अंधेरी में है दोस्तों, अंधेरी बेस्ट में, मैं अंधेरी गया हुआ था दोस्तों, वहाँ पर एक शॉपिंग मार्केट है बेस्ट में, रेलवे स्टेशन से एकदम बाहर, जैसे ही आप निकलेंगे तो बहुत ही बड़ी शॉपिंग मार्केट है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, उसका भी वीडियो बनाया दोस्तों, बहुत ही जल्द उसे भी अपलोड करूँगा। बहुत से वीडियो मैं बनाकर अपलोड करना चाहता हूँ, जो आप देख कर कुछ हो सकता है आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको पता चल जाए। इतनी बिजी लाइफ है दोस्तों कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता रहता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। बहुत से लोगों को पता है, ये सोशल मीडिया का ज़माना जब से आया है तब से तो हर चीज़ आसान हो गया है, तो इसीलिए मैं भी दोस्तों ये अपलोड करता हूँ कि अगर आप लोगों तक गया तो हो सकता है आपके कुछ ज़रूरत का हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये देख रहे हैं ये टाइड सरफ यहाँ पर मिल रहा था, अब ये मुझे लेना था पर ये कुछ 8 kg था, उतना लंबा यहाँ कैसे लेकर आता मैं, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अंधेरी गया हुआ था, फिर वहाँ से मुझे दांदर, दांदर से कल्याण, कल्याण से फिर घर पर आना था, तो ये लंबा रनिंग है। हमारे भिमंडी में भी मिलता है पर ऐसे कुछ अच्छी तरीके से डिस्काउंट के साथ नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे मुंबई का यही सबसे अच्छा लगता है, वहाँ पर जगह जगह पर आपको अच्छा अच्छा मॉल देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छी अच्छी शॉपिंग मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा भिमंडी भी बहुत तरक्की कर रहा है दोस्तों, उम्मीद है हो सकता है बहुत ही जल्द कुछ ऐसे बड़े मॉल हमारे भिमंडी में भी आ जाए। भिमंडी में सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ ट्रैवलिंग का है, अब यहाँ पर लोकल की सुविधा है नहीं, वसई के लिए है दोस्तों, वसई और दीवा के लिए, भिमंडी अंजूर फाटक के एक कोने में स्टेशन है दोस्तों, सुबह में और शाम तक, सुबह से शाम तक कुछ 4-5 ट्रेन आती जाती है, तो लोकल की वजह से हमारा भिमंडी ज़्यादा मार खाता है दोस्तों। अगर यहाँ पर मेट्रो का काम चालू हो, मेट्रो हो जाए, लोकल ट्रेन हो जाए जो अंजूर फाटक से वसई के लिए ही है, अगर दिन में कुछ करीब 10-15 हो जाए हर आधे घंटे पे या 15 मिनट पे, तो काफ़ी सुधर सकता है। यहाँ पर अभी देखिए
बहुत ही अच्छे अच्छे वेयर हाउस यहाँ पर भिमंडी में आ चुके हैं, बहुत ही कंपनियाँ यहाँ पर आती जा रही है। पहले भिमंडी में तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ पावर लूम के ऊपर डिपेंडेड हुआ करता था, पर अभी हमारा भिमंडी अच्छी तरीके से डेवलप करता हुआ जा रहा है। पर यही ट्रैवलिंग का बहुत ही इशू है दोस्तों। अब अभी आपको कल्याण जाना हो या तो आप बस से जा सकते हैं, और बस में हो क्या ही भीड़ होता है, कल्याण से अगर आपको वापस आना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप या तो ऑटो से आए जाए। मैं तो बाइक्स लेकर जाता हूँ दोस्तों, जो कल्याण के सामने पार्किंग एरिया है वहाँ पर मैं अपनी बाइक पार्क करके फिर वहाँ से लोकल पकड़कर मुझे कहीं CST जाना हो गया, दादर जाना हो गया, तो इजीली वहाँ से चले जाता हूँ। लोकल का मुझे यही सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, टिकट भी सस्ता रहता है और आप इजीली आराम से यहाँ से वहाँ आ जा सकते हैं। अभी आप बाइक से या पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये सामान लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा और सस्ता मिल रहा था तो सब भर भर के ले रहे थे दोस्तों। तो आप भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। ये ऑयल देखिए, खाने के बहुत ही अच्छे अच्छे सब यहाँ पर अच्छे प्राइस में मिलता हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब अगर पर्सनल गाड़ी से आप अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो आपको ट्रैफिक का अलग पंगा। अब पेट्रोल इतना महंगा है दोस्तों, 106 रुपया लीटर हमारे इधर है, तो महंगा अलग ही, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन और दिक्कत होता है दोस्तों पर्सनल गाड़ी चलने से। और अगर आप वही अब 30 रुपये में आपको कल्याण से CST रिटर्न टिकट मिलता है, अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो कैसे जा पाएंगे। हाँ भीड़ होता है थोड़ा सा लोकल में, पर क्या कर सकते हैं, मुंबई की तो जान है हमारे लोकल, तो लोकल से सफ़र करना आसान भी नहीं है पर अच्छा है। अगर यही लोकल हमारे भिमंडी में आ गई तो बहुत ही अच्छा तरक्की हमारे भिमंडी का भी होता था, पर देखते हैं। मेट्रो का भी काम चालू, अगर मेट्रो भी चालू हो गई ना दोस्तों तो भिमंडी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो जाएगा। अभी भी बहुत ही तरक्की पर जाता हुआ मैं, मेरे को भिमंडी से बहुत ही प्यारा दोस्तों, कैसा भी है तो भिमंडी हमारा भिमंडी है। यहाँ पर गरीब से गरीब का बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारा हो जाता है, अमीर तो अमीर ही है, अमीर का तो कहीं भी हो सकता है गुजारा, पर यहाँ पर गरीब बहुत ही अच्छी तरीके से रह लेते हैं, तो ये हिसाब में मुझे भिमंडी बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ यहाँ के रोड बहुत ही ख़राब है, ये खासकर शांति नगर का जो जकात नागे से शांति नगर का रोड है, अगर यहाँ पर आप आते जाते हैं ऑटो से तो आपके तो पेट दुखने ही वाले हैं। और अदर जगहों का बन गया है पर ये रोड पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, अगर ये बन जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। और यहाँ पर ऑयल देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अभी दिवाली आने वाला है दोस्तों, तो अगर आप दिवाली के लिए कुछ इस तरह से शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेस भी मिलेगा जो कि अच्छे प्राइस में, तो बहुत ही बड़ा है ये दोस्तों, पूरा मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा केवल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बड़ा है दोस्तों। जितना पॉसिबल हो सका उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में।